सर एक मिनट सर नहीं बोलेगा आप दबिए सुन लो सब लड़का सुन लो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पर मौजूद है हम सब कोई भी बात करेंगे और तुम लोग के सामने में बात करेंगे सर विश्वविद्यालय द्वारा सूची जारी हुआ स्नातक प्रथम खंड में नामांकन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हुई एक मेरिट लिस्ट कैंसिल हो गया दूसरा मेरिट लिस्ट फिर बना कन्फर्मेशन सारे बच्चों का नाम आया हुआ महाविद्यालय में उसके बावजूद अगर नामांकन नहीं दिया जा रहा हमने सर इस समस्या से अवगत आपको कल भी करवाया परसों भी आकर के बोला पहले सुनिए सर आप उसके बाद बोलिएगा आप झूठे हैं एक मिनट रुको आपने डीएसडब्ल्यू को बोला है सर रुको तुम आप लोग आप सर डीएसडब्ल्यू को बोले हैं कि राजनीति करता है अगर छात्रों की आवाज को दबाया जाएगा ना तो जेल जाने के लिए भी तैयार है मुझे मिलो आपने कहा प्रिंसिपल के छात्र कल्याण अध्यक्ष महोदय देखिए रिकॉर्डिंग है मेरे पास देखिए यहाँ आपने आपको हम बताना है सर देखिए आप बच्चों के लिए सोचते हैं आपकी प्रशंसा होती है लेकिन आपने जो झूठ बोला है कि एडमिशन बोला है किसी पर झूठ एडमिशन नहीं बोला हमको मालूम हुआ कि एडमिशन चल रहा हम कहे कि दो चार आदमी रहता है उधर उधर का वो सब हो सकता है कि रहता हो कि नहीं चल रहा है लेकिन एडमिशन तो चल रहा है प्रधानाचार्य महोदय आपके आदेश के बावजूद भी कोई भी पदाधिकारी महाविद्यालय में अगर काम नहीं करता तो आपके अंदर पावर है आप अपने पावर का यूज करिए वैसे पदाधिकारी का कॉलेज में कोई जरूरत नहीं है तो हटाने का काम यहाँ नहीं इसीलिए समस्या नहीं सर सामने में कीजिए सर पांचन भी जा रहे हैं बात करके हम आप लोग को बताएंगे कौन से बात करो उसको पहले वीडियो कर
वैसी खाता है और देखिए अच्छा हम तो घर पे बैठे